आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अभी महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी एक 60 साल के एक व्यक्ति को मेरे पास में लेके आए, कुछ दिन पहले की बात है। और उनका कहना था कि ये पिछले 7-8 दिन से थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं कभी कभी कि मैं कहाँ हूँ, कभी कभी लोगों को पहचानते नहीं और कभी थोड़ा सा रास्ता भूल जाते हैं। तो उनको उनके डॉक्टर्स लोगों ने कोई दवाई दिया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, नींद नहीं आती, तो एक पागल जैसी बातें कर रहे भैया, बहकी बहकी बातें कर रहे करके उनको मेरे पास में लेके आए। और जब मैंने देखा कि भाई 60 साल का व्यक्ति पहली बार ऐसा कर रहा है, तो थोड़ा डाउट मेरे मन में आता है हरदम कि भाई 60 साल का व्यक्ति पहले बार दिमाग के ऊपर असर हुआ और मेरे पास में पहली बार ज़िंदगी में लाया, तो कुछ ना कुछ दिमाग में प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि पागल करके लाया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा लाया कि भाई पागल हो गया करके लाया, भाई पागलपन जैसी हरकतें करता है, पागल जैसी हरकतें करता है करके लाया कि भाई कुछ तो भी बोलता है, कुछ तो भी करता है, ऐसा कभी हंस लेता है, तो ये पागल हुआ करके मेरे पास में लाया। मगर मैंने उसको नहीं ठहराया कि भाई पागल है, मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। तो कहीं से कुछ क्ल्यू नहीं मिल रहा था, मगर जब मैं उनको जरा हिस्ट्री लेने के लिए बिठाया रिलेटिव्स को, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने पहले वो कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए, वहाँ रास्ते पे कोई पत्थर से टकरा के वो गिर गए। गिरने के बाद में वैसे तुरंत उड़ गए, मगर थोड़ा बदन को इधर उधर खरोच आ गई, सिर को थोड़ी खरोच आई थी, और बाद में थोड़ा सा उनको चक्कर जैसी आई, वो अच्छे हो गए। और फिर उन्होंने वो पूरा सफ़र किया, पूरी यात्रा की, वो बाहर यहाँ घूमने गए थे वो, और बाद में वापस आए। आने के बाद में कभी कभी उनको चक्कर आती थी, उनको ऐसा लगता था कि अपन ठीक नहीं है, कभी ऐसा लगता था कि बैलेंस जा रहा, मगर वो ठीक है, वीकनेस आ गया, कमजोरी है ना, अभी बहुत धूप है, डिहाइड्रेशन हो गया, इसकी वजह से हो रहा होगा। मतलब ऐसे कहीं डॉक्टर के पास में गए तो उनको कोई दवा दे देते, तो टॉनिक फिनिक लिख के दिया, इंजेक्शन दे दिए। तो फिर मुझे ये शक आ गया कि ये जब गिरे थे तो गिरने के बाद में इनके दिमाग को कुछ चोट आई होगी, बाहर से कोई दिख नहीं रही मगर अंदर से कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने उनको बोला भाई आपको सीटी स्कैन करना पड़ता, सीटी स्कैन करेंगे? मान नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, अभी तो हम गरीब हैं, हमारे पास में पैसे नहीं हैं, अभी आप कुछ दवा लिख के दो और फिर आप दवा देंगे, इनको जरा नींद वगैरह आ जाएंगे, फिर हम आएंगे बाद में और फिर सीटी स्कैन निकालेंगे। मतलब मैं ऐसा चलता नहीं भाई, मैं दवा देता नहीं, मुझे डाउट है कि कुछ ब्रेन में होगा और उसका इलाज करना पड़ता है, इलाज करने के लिए पहले मेरे को सीटी स्कैन होना, उसके से हमें इलाज नहीं कर सकता। फिर बड़े मुश्किल से वो तैयार हुए सीटी स्कैन के लिए, और सीटी स्कैन में उनको निकला सब ड्यूरल हिमेटोमा। सब ड्यूरल हिमेटोमा मतलब ऐसा है कि ब्रेन में क्या होता है कि मार लगने के बाद में ब्रेन में खून की गुठली तैयार हो जाती है, और खून की गुठली जब तैयार हो जाती है, हो सकता है कि वो स्त्राव जो है खून का वो धीरे 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 चालू है, बढ़ रहा है, हो सकता है कि वो बढ़ के थोड़ा सा वहाँ जमा हो गया और वो अभी ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहा, और प्रेशर डालने के बाद में उनको अभी ये ऐसी बातें हो रही है कि जो लगता है कि पागलपन है। फिर वो थोड़ा और पूछने के बाद बोलते, हाँ कभी कभी उनको उल्टी होती थी, कभी कभी बोलते थे कि सर दर्द है। मतलब ये जब हम पूछते रहते हैं तो बाद में फिर रिलेटिव्स बोलते कि हाँ ऐसा ऐसा है करके। तो जब सिटी स्कैन लाया, मतलब सबड्यूरल हिमेटोमा डायग्नोसिस है, अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ता, नहीं हम ऑपरेशन नहीं करते, अभी आप दवा दो ऐसा वैसा, मतलब अभी होता नहीं है दवा से, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा। तो ऑपरेशन करने के लिए मैंने न्यूरो सर्जन के पास में भेज दिया, बाद में वो 15 दिन के बाद में आए, बोले अभी तबीयत अच्छी है और अभी अच्छा है, मतलब बातचीत भी अच्छा करता है, घूमना फिरना अच्छा, एकदम क्योर हो गए। मुझे ये देखना है, बताने का है सब लोगों को कि भाई कोई बहकी बहकी बातें करता है या कोई भूल जाता है, ऐसा कुछ हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पागल ही है, वो कुछ पागल बन के हरकतें कर रहा मतलब ऐसा नहीं कि पागल है, उसको हो सकता है कि कुछ ब्रेन का असर हो, ब्रेन के ऊपर कुछ उसको मार लगी हो, अंदर कुछ प्रेशर डाल रहा हो या कोई ट्यूमर होगा और उसके वजह से वो ऐसा करता होगा। तो ये मैंने आपको केसरी बताई, आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।